दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रॉमेटिक ईयर ड्रम परफोरेशन, यानी कि कान पे चोट लगने के कारण कान के पर्दे पे छेद हो जाना। कान पे चोट लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम लकड़ी तीली से सफाई कर रहे हों और किसी का हाथ लग जाए, या कोई तेज़ ध्वनि अचानक से कान में जाए, जैसे कि पास में कोई बम फूटे या फिर बहुत तेज़ का डीजे साउंड हो। इसके अलावा लड़ाई झगड़े में या मारपीट में कान पे थप्पड़ लग सकता है। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जब होते हैं तो उसमें भी कान पे चोटें आ जाती हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ होते हैं ईयर ट्रॉमा के, जिसमें कान के पर्दे पे नुकसान हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिपेंड करता है कि कान में किस वजह से चोट आई है और कितने अंदर तक इसका इफ़ेक्ट आया है। अगर लकड़ी तीली से हम सफाई कर रहे होते हैं, वो जो चुभती है अंदर पर्दे पे, तो उसकी वजह से यूजुअली पर्दे पे एक छेद हो जाता है और पेशेंट को कान में दर्द हो सकता है अचानक से और सुनने में कोई परेशानी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जब बहुत तेज़ का साउंड या फिर थप्पड़ लगता है, तो जो हवा का दबाव होता है कान में वो बिल्कुल अंदर तक जाता है तेज़ी से, और ट्रॉमा का इफ़ेक्ट यानी चोट का असर कान के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से तक आता है, यानी कि मिडिल ईयर और इनर ईयर तक इफ़ेक्ट इसका होता है। तो ऐसे केसेस में जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो कुछ ज़्यादा होते हैं। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं? नंबर वन, कान में तेज़ का दर्द होता है, कान में भारीपन या सनसनाहट सी लगती है, कान में सीटी की आवाज़ हो सकती है, सुनने की क्षमता कम हो सकती है। सुनने की क्षमता कम होने का कारण पर्दे पे चोट या पर्दे पे छेद हो सकता है, या कान की हड्डियाँ कभी कभी आपस में खिसक जाती हैं, या जो कान की नसें होती हैं उसमें जो हेयर सेल्स होता है उनका डैमेज हो जाता है। तो इन कुछ वजहों से सुनने की क्षमता पे असर पड़ सकता है। इसके अलावा चक्कर आने की परेशानी हो सकती है, कान से ब्लड आ सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जब कभी कान पे थप्पड़ लगता है या कोई तेज़ की ध्वनि अचानक से कान में पहुंचती है। इसके अलावा अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कान पे चोट लगी है, तो चोट जो होती है पूरे कान पे या पूरे ये टेम्पोरल बोन जो होती है उस पे असर डालती है। तो ऐसे केसेस में चोट के बाद चेहरे का लकवा भी लग सकता है, चेहरे की फालिज हो सकती है, या फिर ब्रेन का जो फ्लूड होता है वो कान के ज़रिए लीक कर सकता है, जिसे हम CSF ओटोरिया बोलते हैं, या साथ ही साथ इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन यानी ब्रेन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो क्या सिम्टम होंगे, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से कान पे चोट पड़ी है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? हालांकि पेशेंट बता सकता है कि उसके कान पे चोट लगी है, लेकिन कई बार पेशेंट किसी वजह से इस बात को छुपाते हैं कि उनके कान पे चोट या थप्पड़ लगा है। लेकिन डॉक्टर ऑटोस्कोप से कान का एग्जामिनेशन करके जान जाते हैं कि ये कान पे चोट लगने की वजह से कान के पर्दे पे छेद आया है। अब बात आती है कि इसका इलाज क्या है। तो अगर कान के पर्दे पे चोट आई है लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम यानी कि कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसे में पेशेंट को कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं और अगले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में वो कान के पर्दे पे जो छेद है वो अपने आप ही भर सकता है। क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं? नंबर वन, कान को ड्राई रखना है, यानी कान में कोई पानी ना जाए, कान में किसी तरह का कोई तेल नहीं डालना है, किसी तरह का कोई ड्रॉप नहीं डालना है अगर कान से कोई पस नहीं आ रहा है तो। बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के आप ऐसे में कान में ड्रॉप बिल्कुल मत डालें। कई बार पेशेंट कान के पर्दे पे चोट से छेद हो जाता है और ड्रॉप डालना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कान से पस आने लग जाता है। तो नंबर वन, कान को सूखा रखें, कान में किसी तरह की कोई चीज़ ना डालें। नंबर दो, कई बार जब कान बंद हो जाता है तो ऐसे में कुछ पेशेंट नाक को बंद करके इस तरह से मुंह में हवा भर के कान को खोलने की कोशिश करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम वाल्सल्वा मैन्यूवर बोलते हैं। इसको अगले कुछ महीनों तक ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे गले से हवा कान में जाती है और अगर पर्दे पे छेद है तो वो हवा उस छेद से बाहर निकल जाती है, और जब हमारे जो पर्दे पे छेद है, जब उस पर नया पर्दा आ रहा होता है तो वो लेयर बाय लेयर आता है, वो पहले बहुत थिन होता है। अगर हम ये चीज़ रोज़ का रोज़ करते रहेंगे, ब्लो करते रहेंगे मुँह से, और हवा कान से रोज़ निकलती रहेगी, तो नया पर्दा उस पर नहीं आ पाएगा। तो वाल्सल्वा मैन्यूवर करने से बचें,
और नंबर तीन, अगर नोज़ या गले में कोई इन्फेक्शन है या कोई परेशानी है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करें, क्योंकि नोज़ या गले का इन्फेक्शन कान में जा सकता है और कान से पस आना शुरू हो सकता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस रख करके आपके कान के पर्दे पे जो छेद हुआ है उसे आसानी से भरा जा सकता है। लेकिन अगर कान पे चोट लगने के बाद पेशेंट में कुछ सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे कि कान में भारीपन होना, कान में सनसनाहट होना, बहुत तेज़ का दर्द होना, चक्कर आना इत्यादि, तो ऐसे में कई तरह की दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे में अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर से मिलें, वो आपके सिम्टम्स को देख करके आपको कुछ दवाएं प्रेस्क्राइब करेंगे। इस तरह के केसेस में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह के पर्दे पे जो छेद होते हैं ये शुरुआत के 3-4 महीनों में आसानी से भर सकते हैं। अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, वो अगर ज़रूरत होगी तो आपको कुछ दवाएँ एडवाइस करेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रिकॉशंस बताएंगे जो मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप अगर इसका सही से ट्रीटमेंट करते हैं तो हाई चांसेस हैं कि ये जो पर्दे पे घाव है ये भर जाएगा। लेकिन कई बार पेशेंट डिले करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कान में ड्रॉप डालने लगते हैं और जो ये पर्दे का छेद होता है ये टाइम के साथ साथ परमानेंट परफोरेशन में चेंज हो जाता है। यानी जो ये जो परफोरेशन है इसके किनारे पर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये पर्दे का छेद अब नहीं भर सकता, तब हम इसे परमानेंट परफोरेशन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।